सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड मेन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड अभी आप हमारे सामने देख सकते हो, ये है यामाहा की तरफ से आने वाली MT15 2021 का मॉडल। जब यामाहा ने अपनी MT15 को BS6 में लॉन्च किया था तो ये पहली बाइक आई थी जिसको हमारे दोस्त विभू ने परचेज किया था। एंड आज इसका जो है हम आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि इसको जो है काफी टाइम से उन्होंने ओन कर रखा है, साथ ही साथ इसके साथ अच्छे खासे किलोमीटर्स भी रन कर रखे हैं। तो इस बाइक के बारे में उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, साथ ही साथ इसकी जो सर्विस कॉस्ट वगैरह है वो कैसी रहती है, जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, वो सारी चीजें आज वो बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, आइए विवू भाई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवू भाई हमारे। तो और विवू भाई कैसे हो? बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया हैं। बस आज आपको हमारे ऑडियंस को जो है एक ब्रीफ में ओनरशिप रिव्यू देना है अपनी बाइक का, कि इसमें आपको क्या अच्छाइयाँ लगती हैं, क्या बुराइयाँ लगती हैं, जो भी चीज़ें हैं एकदम सच सच बतानी है, किसी तरह का कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि आपने यामाहा की MT15 को ही क्यों चूज़ किया? इसके कंपटीशन में कई सारी बाइक्स आती हैं हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो NS200 है, RS200 है, Apache 200 है, जो कि इससे हायर CC पे आती है, बट वाई MT15? MT15 भाई इसलिए क्योंकि मैंने इसके पहले मैंने शायद से वो बुक कराई हुई थी Apache 200 4V। ओके, उसका मुझे बस एक ड्रॉबैक लगा, गाड़ी वो भी अच्छी है, नो डाउट, पावर डिलीवरी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे बस एक इशू लगा, वो सबसे बड़ा इशू सब लोग यही कहेंगे, फिफ्थ गियर वाला पॉइंट, वो एक लास्ट, हाँ, वो लास्ट उसमें लैक है, वो अगर उसमें सिक्स्थ गियर होता ना, हाँ, शायद से आज मैं वो ऑन कर रहा होता, वो ऑन कर रहे होते, ऑन कर रहा होता। लेकिन जब मैंने उसकी टेस्ट राइड ली, जब मैंने चलाई, तो मुझे वो एक गियर की एक शॉर्टनेस कहीं ना कहीं फेल्ट हुई, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है मेरे लिए। वो तो देखो हर एक ओनर को लगती है कि अगर आप एक 200 cc की बाइक ले रहे हो, क्योंकि वो चीज मेरे साथ भी है, मैं भी FZ25 ओन करता हूँ, उसमें भी 5 गियर हैं, तो कहीं ना कहीं हाई RPM में जाके उतना ज्यादा रिफाइनमेंट और उतनी ज्यादा जो स्मूथनेस है वो नहीं मिलती है, 6 गियर की लैग कमी होती है, होती है। और दूसरी चीज की अभी क्या नाम है, मैं NS160 ऑलरेडी ओन करता हूँ, तो अभी जस्ट मैंने रिसेंटली उसको सेल ऑफ किया है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी वो थी, तो मुझे एक एक बाइक चाहिए थी जो 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 था मतलब जो था हाई रेविंग इंजन उसका, और 160 में उतनी पावर नहीं थी NS, क्योंकि वेट उसका ज़्यादा था। ओके, हाँ, उतनी पावर नहीं थी, तो मुझे एक बाइक चाहिए थी जो मेरी संडे राइड्स के लिए एक प्रॉपर बाइक बैठे, मतलब मेरी पॉकेट में भी ज़्यादा वो खर्चा ज़्यादा ना बैठे पेट्रोल का, इस हिसाब से। तो कितने टाइम से आपने इसको ओन कर रखा है एंड कितने किलोमीटर आपने इसको रन कर दिया है? मैं आप दिखा देता हूँ आपको, मुझे 2 साल हो गए इसको ऑन करते हुए, 2 साल हो गए हैं, हाँ? और 2 साल में आपने इसको चला दिया है 19,552 किलोमीटर, मतलब 19,552 किलोमीटर चला दिया है, तो मतलब मोटा मोटा देखा जाए 20,000 किलोमीटर आपने चला दिया है। एंड एन एवरेज एक इंसान 10,000 किलोमीटर एक साल में बाइक चलाता है, तो वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ। तो ये जो 20,000 किलोमीटर आपने चलाए हैं, ये सिटी में चलाए हैं या हाईवे पे चलाए हैं? मिक्स ऑफ बोथ, मतलब मैंने पूरी, मतलब अगर आप लेके देखो तो हाईवे पे 70% होगा, 30% सिटी में होगा, क्योंकि ज्यादा हाईवे पे ही गई है, और क्योंकि सिटी में मेरे पास एक एनफील्ड भी है, मैं वो भी ओन करता हूँ सिटी में, क्योंकि वो कम्फर्टेबल ज्यादा है। तो जो हाईवे का आपका एक्सपीरियंस है और सिटी का एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करिए। हाईवे पे अगर मेरे साथ, तो मैं बताऊँ ना, अगर जैसे ये 110 या 120 अगर ये टच कर रही है, थोड़ी सी वॉबलिंग इशू है आगे, अगर मैं जैसे मैं किसी को वैसे ओवरटेक करता हूँ या फिर मैं कट मैं क्लीन चेंज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वॉबल होती है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड पे, हाई स्पीड पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और सिटी में, सिटी में तो नो डाउट सबसे बेस्ट हैंडलिंग मुझको इसकी इसी गाड़ी की लगी है अभी तक, मतलब सिटी में आप एकदम सेटिस्फाइड हैं, बट मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, हाईवे भी सेटिस्फाइड हूँ, बट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा इसका वेट कहीं ना कहीं कम है, वेट कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लीन वगैरह करने में आपको कैसा लगा? मेरा में नो डाउट इनका जो भी फ्रेम है इन्होंने, हाँ, जो भी डेवलपमेंट करी है, डेल्टा बॉक्स फ्रेम आता है इसमें, कैसी, हाँ, तो इस हिसाब से, क्योंकि वही सेम R15 वाला फ्रेम, हाँ, सेम R15 वाला है, तो इस हिसाब से अगर मैं लीन करता हूँ ना कॉर्नर पे, तो एक कॉन्फिडेंस आता है मुझे, कॉन्फिडेंस आता है। बाकी इसमें जब लीन की बात हो रही है, फीडबैक की बात हो रही है, तो यहाँ पे टायर जो इसके मिलते हैं, इसमें आपको MRF ब्रांड के फ्रंट एंड रियर में टायर मिलते हैं, फ्रंट में नॉन रेडियल एंड रियर में रेडियल मिलता है, तो आपका टायर से रिलेटेड क्या फीडबैक है? टायर से रिलेटेड तो ठीक है, मतलब बहुत वो भी नहीं कह सकते, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब मैंने बाकी लोग सुना क्या तो सुना कि नहीं टायर बहुत अच्छे हैं MRF के, हाँ, लेकिन क्वालिटी वाइज मेरे एक्चुअली टायर क्रैक हो गए थे, इस वजह से मैं दिखा दूं आपको, मैंने टायर भी चेंज करवाए हैं। अच्छा, आपने इसमें अपोलो का डलवा रखा है? मेरे पुराने वाले क्रैक हो गए थे वो। तो अपोलो का कौन सा ये है? ये अपोलो का S1 है, अल्फा S1 140/60 सेक्शन का, लो प्रोफाइल है, हाँ, लो प्रोफाइल है, इसमें 140/70 सेक्शन का टायर आता है, बिल्कुल कंपनी की तरफ से, बिल्कुल। तो अभी आप इससे सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस इसका एडवांटेज ये है कि मतलब कॉर्नरिंग मुझे और ज्यादा ग्रिप मिलती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, जैसे ये लो प्रोफाइल है ना, हाँ, तो जब जैसे मतलब जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं तो ये नीचे छू जाती है बाइक,
मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपका कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि इसका जो सिटी में माइलेज है वो क्या मिलता है, एंड हाईवे पे भी बता दीजिएगा। भाई सिटी में माइलेज मैं कहना चाहूंगा मुझे 38 टू क्लोज टू 40 मिलता है। 38 टू 40 और मेरे चलाने के ऊपर है। हाँ। वो तो वेरी करता है सबके हिसाब से क्या आपका आई राइडिंग स्टाइल वेरी करता है। मेरे पास मैंने फोटो खींच के रखी है इसकी, मुझे मैंने 55 का निकाला। 55 का माइलेज एमटी से? वाह भाई, 80 की स्पीड मैंने मेंटेन करी, 80 की स्पीड 55 का माइलेज, भाई स्प्लेंडर बना दिया तुमने तो। ये तो स्प्लेंडर बना दिया भाई ने। और ये बताइए अब हाईवे पे अगर जो इससे बहुत ज्यादा क्रूज करते हैं, मतलब 100-110, तो इस पे क्या माइलेज निकल के आता है? इस पे माइलेज वही बात वही करना के आती है, वही 40। तो क्या आपको लगता है मतलब 155 सीसी बाइक को ओन करने के बाद एन एवरेज आप 40 का भी अगर आप मरी गिरी हालत में माइलेज निकाल लो हाईवे एंड सिटी मिला के, तो आपको कैसा लगता है? मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट माइलेज है। माइलेज के बारे में आज तक मैं कभी निराश हुआ ही नहीं इस चीज से। मतलब आपके हिसाब से माइलेज किंग है, मतलब माइलेज काफी सारे लोग हैं जो माइलेज से रिगार्डिंग बोलते रहते हैं कि यार हाँ मेरी थोड़ी सी कम देती है, लेकिन मेरी बहुत तगड़ा देती है। तगड़ा देती है, अच्छा देती है आपको। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी जो सीटिंग वगैरह है, जैसे कि है आप हेलमेट जरा अपना उठा लीजिए, लाइए हमें पकड़ा दीजिए। तो ये जो सीट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा जो स्पेस है वो राइडर के लिए दे दिया गया है। ये मैक्सिमम इतना स्पेस आपको मिलेगा, मतलब एक बीते का स्पेस आपको दिया गया है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके कम्फर्ट के बारे में कि हाईवे वगैरह कैसा कम्फर्ट है, सिटी वगैरह कैसा कम्फर्ट है? सिटी और हाईवे का वही बातचीत वही सेम है। मतलब ये इतनी अनकम्फर्टेबल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा यामाहा वालों को, अगर थोड़ी सी पैडिंग दे दी होती है इस पे, थोड़ा सा खर्चा कर दिया होता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि लिटरली आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो बहुत कम है, मतलब ये पटरा है भाई साहब। वैसे भी तो यामा की सीट जो है वो तो पटरा ही है, ये तो पटरा ही है, और एक साल बाद दो साल बाद तो और ज्यादा इसका जो कुशन है वो जब वो हो जाता है। और मुझे एक चीज इनको प्रॉब्लम इनसे ये प्रॉब्लम लगती है, चलो अब वो किस वजह से दिया मुझे नहीं पता, बट यार ये जो टेल सेक्शन है इसका इतना ज्यादा खाली दिया है, तो यहाँ से हाँ ये सीट इतनी कम कर दी, चलो इसको यहाँ तक कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, बट ये बताइए इसका जो ये टायर अगर लगा है, ये टेल लगा है, तो ये कीचड़ कितना रुकता है भाई? भाई ये उतना ही रोकता है जितना कैसे बताऊं, मतलब जैसे हम बिना कपड़ों के बाहर निकलते हैं। अरे तो मतलब इसका यूज कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, अगर हटा दे तो पूरा आता है, जैसे अपने ग्रुप में कुछ लोगों ने हटा भी रखा है, बट ये मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है इसका टायर अगर देने वाले हैं वो सब वाले हैं नहीं भाई। बाकी ये जैसे इसका हैंडल बार है आपने बताया कि वॉबल करता है, बाकी इसके बारे में बताइए हैंडल बार के बारे में कि जैसे स्ट्रेस वगैरह आपकी थाई पे या फिर जैसे R15 में, तो कंफर्ट पोस्चर कैसा है इसका? कंफर्ट पोस्चर हिसाब से तो सही है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, एग्रेसिव है। अच्छा मतलब एक जितना नेकेड हिसाब से होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब एक मैं कैसे बताऊं, एक कनेक्शन फील करवाती है, ये कनेक्शन फील करवाती है। जब बाइक जब पकड़ते हो ना आप, भाई एक राइडर समझ सकता है, एक से भी राइडर समझ सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब आप एक कनेक्शन फील होता है आपको कि हाँ ये थोड़ी सी हल्की सी लीन है, हल्की सी, मतलब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं वो एकदम कंफर्टेबल तरीके से आप राइड कर सकते हो। मतलब अगर कोई लॉन्ग राइड के लिए लेना चाहता है जिसको, मतलब एक स्टेज में 600-700 किलोमीटर निपटाने इस बाइक से, तो इजीली कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वो कर सकता है, बट वही एक पॉइंट सीट वाला, अगर पिलियन के साथ ना करें आप, अलोन करते हो तो गाड़ी बहुत बेस्ट है, क्योंकि पावर, और सबसे मतलब अगर मैं चीज बोलूं पावर पे, तो पावर कहीं ना कहीं मुझे पिलियन के साथ इसकी कम महसूस होती है। पावर के साथ जो है, मतलब पिलियन के साथ पावर आपको कम महसूस होती है, मतलब कितनी कम महसूस होती है? थोड़ी 10-20 या फिर भाई ऑलमोस्ट 40% ड्रॉप आता है, 40% ड्रॉप आ जाता है। हाँ ये चीज़ तो यार देखो मैंने सुनी है MT-15 के साथ, या फिर मैंने भी फेस की है कि MT-15 और यामा की R15 दो ऐसी बाइक्स हैं जो राइडर के लिए तो बहुत सही है, बट अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो उसमें थोड़ी सी पावर ड्रॉप आपको मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो आप सिंगल राइड करो गुड इवनिंग पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप पिलियन के साथ रिकमेंड नहीं करते। पिलियन के साथ आपको 80-100 चलना है तो ठीक है, लेकिन आप उससे परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्टेशन रख सकते, नहीं कर सकते। हाँ मतलब पिलियन के साथ आप 100-120 कर सकते हो, लेकिन फिर कोई सेंस नहीं है, सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। तो मतलब पिलियन के साथ लॉन्ग राइड वगैरह ना ही करो तो बेटर है, अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग का आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 320mm का जो है फ्रंट में डिस्क मिलता है, और यहाँ पे ये वाली बाइक में सिंगल चैनल एबीएस आता है ना? हाँ, सिंगल चैनल। हाँ, अब डुअल आ गया, बट पहले सिंगल आता था। अब डुअल आ रहा है? हाँ, अब डुअल आ रहा है, वर्जन 4 में जो आ गया। टाइम शायद कुछ कमी रहेगी। हाँ, पैसा कम दिया था आपने सर, हो सकता हो, लेकिन अभी एट अ टाइम ये 2,15,000 रुपए की ऑनरोड पड़ भी तो रही है। हाँ, 2,15 के समय। आपने कितने की खरीदी थी इसको? मैंने 175। तो मतलब आपके हिसाब से उस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी थी, एंड अब वाली जो है उसमें थोड़ी बहुत चीजें बढ़ा दी है, बट उतना कुछ खास नहीं लगा। डाउन फोक्स का इतना चार्ज देना, एल्युमिनियम सिंगार का इतना चार्ज देना, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से इतना। बाकी ब्रेकिंग का बताइए कि इसमें आपको जो ABS वगैरह वो कैसा, मतलब क्या फीडबैक है ABS का आपका? भाई ब्रेकिंग तो बढ़िया है, बस ABS बहुत ज्यादा इंट्रूड करता है बीच में।
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्लूड करता है बीच में। मतलब कैसे करता है? मतलब बॉस अगर मैं बताऊँ ना, मतलब जैसे जहाँ पे नहीं भी इतनी सर्विस, मतलब एकदम सर्विस एकदम सही होगी ना, हाँ, वहाँ पे अगर मैं मारूंगा तो इनको इसको लगेगा कि मैं अभी एक कच्ची कच्ची सड़क पे हूँ। वो उतना इंक्लूड करता है, मतलब छोड़ता पकड़ता है, हाँ, कि ब्रेक जाम ही हो जाती है एकदम। वो छोड़ता पकड़ता रहता बॉस, मतलब एक प्लेन सर्फेस पे, हाँ, वो मतलब जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता, जैसे ये बैक मारता है, हाँ, ये पूरा बैक मारता है, कभी छोड़ता कभी पकड़ता है, तो वो स्टॉपिंग पावर नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। तो मतलब ब्रेकिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं है एबीएस से स्पेशली? एबीएस से, हाँ। बाकी इसकी जो बाइक्स वगैरह वो सही है। अच्छा, बाकी दो साल में आपको कोई ऐसा लगा फंक्शनल डिफेक्ट कि यार मैंने बाइक ली और उसके बाद मुझे ये कमी फेस करनी पड़ी है, वो कमी फेस करनी पड़ रही है? भाई भाई आपने बहुत सही सवाल मुझसे पूछा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देख लो। हाँ, इंजन चेक लाइट इसकी ऑन ही रहती है। अच्छा, मतलब ये ऑन ही रहती है परमानेंट? मतलब मैं शोरूम जाऊंगा, मैं वहाँ पे ऑफ करवाऊंगा, वो ऑफ करेंगे सर्विस वाले, ठीक है, उसके एक दो दिन बाद फिर ऑटोमेटिक अपने आप ऑन होती है। अच्छा, और ये बहुत ज्यादा डल हो रखा है, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीन गार्ड लगवाया हुआ। अच्छा, स्क्रीन गार्ड है, मुझे लगा ये भी फेड हो गया है। नहीं बॉस, ये क्यों फेड होगा? अच्छा, ये तो ऑलरेडी सही है इसकी तो। बाकी ये मीटर कंसोल में जितने भी फंक्शन वगैरह मिलते हैं मुझे लगता है वो तो गुड इनफ है, उसमें गुड इनफ है, बस इसमें वो क्या मिसिंग कुछ लगता है? मिसिंग वही, अगर मेरे टाइम पर उन्होंने दे दिया होता ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अच्छा, थोड़ी सी अच्छी आसानी हो जाती। हाँ। अब जैसे हमें सर्विस की बात हुई है कि ये फंक्शनल जो माल फंक्शन लाइट है, हाँ, ये जलती है, हाँ, ये माल फंक्शन, तो ये बताइए यामाहा से आपका सर्विस का क्या फीडबैक है? आप सर्विस कंपनी में कराते हो या बाहर कराते हो? बॉस मैं सर्विस कराता हूँ अब तो बाहर, पहले करवाता था कंपनी में। पहले कंपनी में करवाते थे? इतना कुछ सही नहीं है क्योंकि चार्जेस उनके थोड़े से अनजस्टिफाइड है, मतलब थोड़े से कैसे बताऊं मैं, जैसे कुछ चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा ही अलग है, जैसे उनकी लेबर चार्ज, हाँ, वो लेते हैं समझ में आता मुझे, लेकिन काम वैसा करके देना जितना वो उससे पैसा ले रहे हैं। यार ये चीज़ तो मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी यामाहा की सर्विस एफजेड की, उसकी मैंने बाहर ही करवा रखी है। क्यों यार अननेसेसरी पैसा चार्ज करते हैं? बाकी पार्ट अवेलेबिलिटी का क्या सीन है इसका, मतलब कि कैसे पार्ट अवेलेबिलिटी है इसकी यामाहा की? पार्ट अवेलेबिलिटी यही समझ लो आपकी, आप चिराग लेके ढूंढ तो मिलेगा। अच्छा, आप चिराग लेके ढूंढो, मतलब आप ये समझ सकते हो, मैंने एक ऑर्डर लगाया था एक पार्ट का, मेरा ऑर्डर था, हाँ, एक्चुअली मीटर से रिलेटेड कुछ था इसका, एक शायद से कुछ सेंसर होता है, हाँ, जो ये स्टैंड में जो सेंसर होता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, हाँ, जिससे साइड स्टैंड लगाने पे गाड़ी बंद हो जाती है, हाँ, तो हाँ? उसका सेंसर आने में इन्होंने कम से कम एक महीना दो दिन या तीन दिन लगा दिया। इतना टाइम सेंसर, वो एक सेंसर लाने में सिर्फ। तो मतलब अगर कोई मेजर पार्ट टूट वगैरह जाए, जैसे मान लो इसका टैंक खराब हो गया या फिर कुछ ऐसी, हाँ, प्रॉब्लम, हाँ, ये ऐसा कुछ पार्ट तो इनके पास अवेलेबल रहते हैं, मतलब रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं, बस हाँ ये दिक्कत अगर हो सकता है शायद एक पर्टिकुलर उसकी सर्विस की प्रॉब्लम हो, हाँ, एक किसी शोर की प्रॉब्लम, लेकिन ये आगे जैसे मेडगार्ड वगैरह की जैसी चीजें हैं, जैसे टायरिंग की कोई चीजें हैं, हाँ, तो कुछ सामान 15 दिन में मिल जाता है। अब ये बताइए इसकी जो कॉस्ट होती है सर्विस की, वो आपको कैसे लगती है? क्योंकि मैंने जो पर्सनली सुना है कि यामाहा का मेंटेनेंस वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं बॉस। मैं अपने पर्सनली मैं बताऊं, हाँ, सर्विस के रिगार्डिंग अगर मतलब जो बाइक मुझे ऑफर कर रही है, हाँ, हिसाब से मैं चलाता हूं इसको, हाँ, सर्विस के रिगार्डिंग मुझे सर्विस इनकी महंगी नहीं लगी, और उसका एक रीजन है, अगर ये अपना लेबर चार्ज वाला फैक्टर हटा दूं मैं इनका, हाँ, तो महंगी नहीं है इनकी, हाँ, मतलब अदरवाइज मतलब लेबर चार्ज वाले फैक्टर से वही सेम चीज है, वही मतलब मुझे थोड़ी सी लगती है कि अगर लेबर चार्ज अगर ये अपना थोड़ा सा देख लें हर, हाँ, चीज में तो सही है। मतलब आपको लगता है कि आप एक ऐसी मशीन ओन कर रहे हो, हाँ, जिसकी मतलब जो मोबाइल की प्राइस सही है, हाँ, इनकी फिल्टर्स की प्राइस सही है, हाँ, और जितनी भी जैसे लीवर वगैरह ये 250 रुपए का, आई थिंक, हाँ, शायद से 250 रुपए की चीज़ है, हाँ, अभी टूटा भी हुआ है, अभी ये, हाँ, ये अभी टूटा ही हुआ है, हाँ, लेकिन ये शायद से 250 रुपए की चीज़ है, हाँ, तो इन सब के मामले में ठीक है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाँ, है इसमें कोई दिक्कत, मतलब एक कॉस्ट बता दो कि जैसे मान लो एक नॉर्मल सर्विस होती है, कुछ मेजर पार्ट ना चेंज हो, तो कितनी कॉस्टिंग आ जाती है आपकी सर्विस की? मेरे हिसाब से 1100-1200 रुपए, बस 1200 रुपए पक्का? 1200 रुपए श्योर बॉस? यही मेरे हिसाब से तो यही है। अरे तो बहुत सही है, मैं 1500 मान लेता हूँ भाई, 1500 मान लो, हाँ, आप मतलब जैसे मतलब बहुत मेजर सर्विस अगर भी हो गई ना तो भी मतलब 2200 के ऊपर बिल नहीं आता। अरे तब तो सही है यार, हाँ, बहुत सही है फिर तो, कोई टेंशन ही नहीं है 155 cc की ऐसी, मतलब ऐसे लुक्स वाली और साथ साथ आपकी, और ये दूसरी तरफ आपके माइलेज से पैसे भी बचा रही है। बिल्कुल, अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक ओन करते हो तो मुझे नहीं लगता 30 से ऊपर कोई माइलेज देती होगी। सो बॉयज, इस बाइक के ओनरशिप रिव्यू से रिलेटेड हमने सारी जानकारी कवर कर दी है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्प्ले पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, या फिर विभू भाई का हमारे जो इंस्टाग्राम है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो वहाँ पे इनसे भी कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं ये वाला जो ब्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ऐसी बढ़िया बड़ी सी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आउट, राइड सेफ।